नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आप मजदूर संयुक्त कर्मचारी संगठन की शुरुआत की है और इस संगठन को 17 यूनियन ने समर्थन दिया है। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए एक आप मजदूर संयुक्त कर्मचारी संगठन की अध्यक्षता संजीव जावा को सौंपी है। आप पार्टी से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से साफ सफाई कर्मचारियों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और सफाई कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सफाई कर्मचारी बेहाल हैं और सफाई कर्मचारियों पर एमसीडी कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए जब 17 यूनियन ने मिलकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से मिले और अपनी परेशानियों से आगाह करवाया तो आप नेता से मिलकर आज इस यूनियन का गठन हुआ है। एक्चुअली आपको पता होगा जो एमसीडी के अंदर विभिन्न सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन मजदूरों की यूनियन चलती थी और कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस के बैनर तले कोई बीजेपी के बैनर तले बेशक सफाई कर्मचारियों का हक मर रहा है। उस हक को लेने के लिए तो लड़ाई नहीं हुई है, अपने अपने बैनर तले सब अपनी अपनी टांग खींच रहे हैं। तो जो उनका हक जो मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए 17 यूनियन आज एकजुट हुई है और आप मजदूर कर्मचारी संयुक्त संगठन दिल्ली प्रदेश के रूप में उन्होंने आपस में मिलकर एकजुट होकर आज शुरुआत की है। और मुझे लगता है अब न्याय की लड़ाई तीखी होगी और जो सफाई कर्मचारियों के जो हक एमसीडी से नहीं मिलते तीनों एमसीडी से उसकी लड़ाई को हम सही दिशा में लड़ पाएंगे और वो हक को दिला पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लड़ाई जब सही दिशा में ना हो, जैसे एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज का एक टेबल है और लोग हैं 20, सबने चारों तरफ से पकड़ा हुआ टेबल को लेके आगे जाना है। अब वो सब टेबल को अपने अपनी तरफ खींचेंगे तो टेबल वहां तो जाएगी नहीं, वो तो वहीं खड़ी रखी रहेगी। तो अभी तक यही हुआ है कि अलग अलग संगठन के लोग अपने पार्टी के नेता के इशारे पे कहीं ना कहीं सबोटेज करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। तो ये जो आज संयुक्त जो मोर्चा बना है ये मोर्चा इसको सही दिशा देगा और इसको सही लक्ष्य तक लेके जाएगा ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें टाइम से मिले, उनके सारे पेंशन एरियर टाइम से मिले, उनके जितने भी हक हैं रिटायरमेंट के बाद के हक हैं वो उनको टाइम से मिले। तो ये एक एसोसिएशन मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी और मैं खुद इस एसोसिएशन को और ज्यादा मजबूत बना के, बल्कि हम ऐसा करेंगे जब हम न्याय की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे तो जो बाकी इधर उधर जो संगठन बने हुए हैं वो सब लोग अपने आप कुछ दिनों के अंदर ही हमारे इस मोर्चे से आके जुड़ेंगे और मैं समझता हूँ उसके बाद हमारे लोगों को हक 100% मिलेगा। अच्छा मंत्री साहब, एक बात बताइए, रोड सबसे ज्यादा ताकतवर जनता है। ये जो बिखरा हुआ समाज है, जब ये समाज एकजुट होके अपने हक को लेने के लिए लड़ेगा, देखिए राजनीति में वोट की बहुत बड़ी कीमत है जी। सरकारों को बदलने का, गिराने का और बनाने का काम जनता का है, वोट का है। जब ये वोट एकजुट हो जाएगा और अपनी अहमियत समझेगा, अपनी ताकत को समझेगा, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे इन गरीब मजदूरों के हक को मार जाएगा जी। अच्छा सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो जमीन से लेकर आकाश तक जहां भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे जी। देखिए अगर आप देखें टोटल बजट जितना एमसीडी को दिया जाता है तो तीनों एमसीडी का पिछले 4 साल का बजट आप देख लें, पिछले उससे पहले का देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। क्योंकि हम लोग आंदोलन से निकली पार्टी है, न्याय के लिए लड़ते हैं और हमारे मजदूर सफाई कर्मचारी भाइयों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये तो फिर बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो हम तो पहले से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन असली गलती जो है ना, जो एमसीडी में जो जिनकी सरकार है बीजेपी की, वो किस तरह फंड्स को मतलब इधर उधर कर देती है, न्यायप्रिय तरीके से जो मिलना चाहिए उनको ना देके उसको डाइवर्ट कर देती है, फंड को ठेकेदारों को दे देती है, उस वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो इसीलिए ये मोर्चा बना है ताकि हमारे लोग उनका न्यायपूर्ण तरीके से उनका हक उनको टाइम से मिले। हमारे संगठन का नाम है आप मजदूर कर्मचारी संयुक्त संगठन दिल्ली प्रदेश। हमारा इस मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आज कर्मचारी 5 साल से त्राही त्राही कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली निगम में है और तमाम कर्मचारी और फिलहाल जितना भी हमारा कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे डैम्स का हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, आम तमाम जितना हमारा फोर्थ क्लास कर्मचारी, आज वो त्राही त्राही कर रहा है।
कई कई महीने से उनका वेतन नहीं दिया जाता है, जो कर्मचारी पक्के उनका एरिया नहीं दिया जाता है, बीमारी के कारण जो जूझ रहे हैं। इलेक्शन के पहले तक ये कर सकते हैं, आगे पार्टी को मौके पे ही संगठन के लिए बनाया गया। देखो ये एक बदलाव लाने की एक स्थिति में है, जो जनता पार्टी को भी देख लिया है और कांग्रेस को भी देखा है, हमेशा ही मजदूरों के साथ छल होता आया है और छल इसको हमने बदलाव की एक नीति अपनाई है, क्योंकि हमने इनके अंदर एक साफ छवि है आम आदमी पार्टी के अंदर। कई बार जब पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि निगम में जो सरकार बैठी है वो ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, जब भी यहाँ बैठक हुई है कोई भी बात हमारी हुई है, जब जब हमने इनसे आग्रह किया है दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, राजेंद्र पाल गौतम जी से, जब जब हमने इनसे आग्रह किया तब तक हमारे को पैसा और प्रेशर को दिया गया है। मजदूरों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी अपील है मजदूरों से, क्योंकि हम जो है ना कई सालों से कई वर्षों से हमारा जो शोषण हो रहा है, और इनकी आम आदमी पार्टी जब जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है, आम आदमी पार्टी ने हमारा सहयोग किया है। अभी पिछली बार 9700 रुपये हमारी तनख्वाह थी, फिर उसके बाद 13384 रुपये 584 रुपये वेतन हुआ, वो दिल्ली सरकार द्वारा हुआ, जबकि हमने 107 दिन धरना दिया था, उसमें दिल्ली सरकार ने 13584 रुपये वेतन किया। इधर बीजेपी के लोगों ने एक साजिश करके उसको कोर्ट में जाकर रुकवा दिया गया, वो उसी टाइम फिर हमने जब यहाँ आग्रह किया दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तब दिल्ली सरकार ने हमें बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने हमें बुलवाया अपने आवास पर, और 500 करोड़ रुपए तो उसी टाइम दे दिया, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देकर, हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो हमारा 13584 रुपये न्यूनतम वेजी जो मिल रहा है वही हमें मिल रहा है। ऐसा है कि कोई भी कार्य जो है सत्ता में बिना सत्ता में जाए कुछ नहीं, तो जो हमने आज जो संगठन बनाया है उसमें जितने यूनियंस हमारी आई है वो सभी की सभी आम आदमी पार्टी को समर्पित है, सभी ने उनको समर्थन दिया है, और जो कि हमारी पिछली सरकारों से सिर्फ आम आदमी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साहेब राजपाल गौतम जी हमारे मजदूरों के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम वेजेस भी इसी सरकार ने बढ़ाया है और पक्का करने का प्रस्ताव भी विधानसभा में इसी सरकार ने करा है, पारित किया है, और पहले मुख्यमंत्री ने जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की आवाज विधानसभा में उठाई, और अभी भी एक निगम कर्मचारी फंड आता है लगभग 450 रुपये के हिसाब से, उस फंड की लड़ाई भी यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। जब ये सरकार और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और ऐसे मंत्री साहब राजेंद्र गौतम जी और ऐसे साथी जब कोई सरकार कार्य कर रही है, तो हम सब ने मिलकर ये प्रण लिया, संकल्प किया कि हम अभी 17 यूनियन हमने इकट्ठे हो गए, मोर्चा गठित किया है, और इस सरकार को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि ये सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, और हमारे कर्मचारियों के हित में जो भी कदम उठाती है वो हमारे सफाई के हित में। हमारा क्यों नहीं कामयाब, बाबा साहब तो अकेले ही थे, बाबा साहब ने अकेला इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, तो 17 है, 17 तो बहुत होते हैं, ये 17 नहीं है, ये 17 लाख है, एक एक आदमी के पीछे एक एक 1000 आदमी है, और एक एक प्रधान के पीछे 5-5 हजार आदमी, तो ये सिर्फ जो कार्य हम करेंगे, जो दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए मजदूरों के लिए काम कर रही है, हम अपने सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को ये बताएंगे कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ही आपके हितैषी हैं, बाकी सब आपका हनन करते हैं, आपके अधिकारों वाले करते हैं, आपका शोषण करते हैं, बाकी सभी ने पिछले 15-20 साल में कांग्रेस और बीजेपी को देख लिया है, तो अब डॉक्टर और दवाई बदलने की जरूरत है, तो हमने डॉक्टर और दवाई दोनों बदल दिए हैं, और हमारे डॉक्टर का नाम है माननीय अरविंद केजरीवाल और दवाई का नाम है राजेंद्र कुमार। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से 638 करोड़ रुपए हमारे एमटीडी को दिया गया है, सिर्फ सफाई कर्मचारियों के नहीं, उनके फंड के नहीं, रिटायरमेंट की पेंशन के नहीं, मेडिकल क्लेम के नहीं,
और जो हमारे सैलरी नहीं हो पाती, हर बार रोते हैं कि सैलरी नहीं हो पाती, जबकि अरविंद केजरीवाल जी समय पर अपना फंड रिलीज करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट ठेकेदारों को अपना फंड रिलीज करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, क्योंकि उनके पेट में उनकी जेब में जा रहा डायरेक्ट पैसा, वो कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाते और बरगलाते हैं कि केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी अपने समय समय पैसा दे रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा अभी 2017 की लड़ाई भी अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में पास कराया, और एलजी हमारे बैठे हुए उन्होंने फाइल लोग रखे, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूंगा। अब क्या 2019 के अंदर मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, मजदूर भाइयों से, वाल्मीकि समाज से, कि आने टाइम में 2019 में दिल्ली की 700 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को जीत के थे, ताकि जो हमारी 2017 की फाइल एलजी ने लोग रखी है वो हमारी पास हो। आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।